नमस्कार, मेरा नाम रविकांत और सब देख रहे हैं बोलता खगड़िया। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह की गिरफ्तारी का आदेश खगड़िया के व्यवहार न्यायालय एडीजे फर्स्ट हिमा शिखा मिश्रा की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी का आदेश दिया है। आखिरकार क्या है माजरा, क्यों अक्षरा सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली है, आखिरकार अक्षरा सिंह की क्या है खगड़िया से कनेक्शन, ये तमाम बातों को समझने के लिए आपको 2018 में चलना पड़ेगा। जेएनकेटी मैदान में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम शहीद किशोर मुन्ना बलिदानी के उनके याद में एक कार्यक्रम होना था और उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए अक्षरा सिंह को आना था, लेकिन अक्षरा सिंह उस कार्यक्रम में शिरकत करने नहीं पहुंची तो हजारों की जो खचाखच वाली भीड़ दर्शकों में काफी बवाल और गुस्सा आया और उसके बाद काफी हंगामे हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी। टेंट वालों ने उस वक्त प्राथमिकी दर्ज कराई थी और टिंकू जिया नामक जो आयोजक करता था उनके द्वारा ही अक्षरा सिंह की बुकिंग की गई थी और टेंट वाले ने टिंकू जिया समेत कई लोगों पर जो है FIR दर्ज की थी 400 BC से लेकर के तमाम वो चीज़ें कि लोगों की भावनाओं के साथ आहत, तो साथ ही साथ जो है छलावा किया गया था। उस वक्त के बाद से 2020 में अक्षरा सिंह ने अग्रिम जमानत के लिए जो है अर्जी लगाई थी, लेकिन अग्रिम जमानत उस वक्त अस्वीकार कर लिए गए थे। लेकिन अब पिछले दिनों जो बातें सामने निकल कर आ रही है, एडीजे फर्स्ट हिमा शिखा मिश्रा की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दी है अक्षरा सिंह के खिलाफ। अब अक्षरा सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली है। वहीं अक्षरा सिंह जो अभिनेत्री हैं उनके विपक्ष के वकील अजिताभ सिन्हा की माने तो अक्षरा सिंह को कोर्ट का सम्मान करते हुए उन्हें न्यायालय में समर्पित होकर अपने पक्ष को रखना चाहिए था, लेकिन आखिरकार क्यों अक्षरा सिंह इन तमाम सवालात से भागती नजर आ रही हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं अक्षरा सिंह के जो विपक्ष के वकील हैं अजिताभ सिन्हा का, उनका क्या कुछ कहना है जरा आप सुन लीजिए। क्या कुछ बातें हैं, मामला क्या है? 2018 में एक मुकदमा हुआ था, शुभम कुमार एक टेंट हाउस मालिक है, उन्होंने शहीद किशोर कुमार मुन्ना के सम्मान में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होना था जिसमें अक्षरा सिंह आने वाले थे, उसमें उन्होंने अपना पूरा टेंट वगैरह लगाया था, साउंड सिस्टम वगैरह लगवाया था, लेकिन अक्षरा सिंह के नहीं आने के कारण उनको लाखों का नुकसान हुआ, भारी बवाल हुआ, उनके संपत्ति में आग लगा दी गई, तो उसी को लेके उन्होंने एक परिवाद दायर किया था न्यायालय में और न्यायालय ने मामले में संज्ञान लिया जिसमें प्रसिद्ध अभिनेत्री अक्षरा सिंह एवं अन्य 3 लोग अभियुक्त बनाए गए, उनको सम्मन हुआ था, वारंट हुआ था, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं आई जिसके कारण न्यायालय को बाध्य होकर गैर जमानती वारंट जारी करना पड़ा है। अभी गैर जमानती वारंट जारी किया गया है अक्षरा सिंह को लेकर के, आगे क्या कुछ कार्रवाई की बातें निकल कर अगर वो उनके द्वारा 2020 में एक अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी यहाँ सेशन कोर्ट में, जिसको तत्कालीन एडीजे पंचम के न्यायालय से खारिज कर दिया गया, उसके बाद उन्होंने अपने जमानत के लिए कोई पहल नहीं किया है, तो अभी तो गैर जमानती वारंट जारी हुआ है, पुलिस उसका तामिला कराएगी, फिर जो आगे की प्रक्रिया होगी वो देखी जाएगी। पूर्व में भी उनके गोरेगांव स्थित आवास पे नोटिस वगैरह भेजा गया था, उनका जो पता था, जो पता उन्होंने अपने अग्रिम जमानत याचिका में दिया था गोरेगांव का, सिर्फ लिखा था अपना नाम और गोरेगांव मुंबई, उस पते पे भेजा गया था, लेकिन वो पूरा पता नहीं था, इसीलिए परिवादी की ओर से उनके पटना और मुंबई का नया पता दाखिल किया गया है विगत 6 सितंबर को, जिसको संज्ञान में लिया है माननीय न्यायालय ने, और नए पते पे अब वारंट और आगे की प्रक्रिया होगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजीत कुमार सिन्हा है। इस मसले पर हमने अक्षरा सिंह से भी संपर्क करने की कोशिश की, उनके भी पक्ष को जानने की प्रयास की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। अगर अक्षरा सिंह का कोई भी इस तरीके का बयान आता है तो फिर बोलता खगड़िया उनके भी बयान को प्राथमिकता के साथ दिखाने का काम करेगा।